हेलो दोस्तों, मेरा कहना है कि एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो ये सीरीज चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में। अब क्लासिफिकेशन कंप्यूटर के जो दो टाइप होता है, बेस्ड ऑन साइज और बेस्ड ऑन वर्क, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेस्ड ऑन पर्पस का जो दो टाइप होता है, जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए, जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, ये ऐसा कंप्यूटर होता है कि इसमें आप अलग अलग तरह का काम कर सकते हैं। मतलब क्या, एक कंप्यूटर लिए एक ही कंप्यूटर में अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, वो हो गया जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसी में अकाउंटिंग का काम भी कर रहे हैं, उसी में आपका डेटाबेस भी बना रहे हैं, उसी में आपका स्लाइड्स भी बना रहे हैं, उसी में आपका कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। ये हो गया जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में अलग अलग वैरायटी का काम करना। ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, वो कंप्यूटर जो एक स्पेशल टास्क के लिए बनाया जाता है, एक स्पेसिफिक टास्क, मतलब एक ही काम के लिए बनाया जाएगा, वो कंप्यूटर आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। जैसे एक्सरे मशीन के लिए जो कंप्यूटर बनाया जाता है, उसमें सिर्फ एक्सरे मशीन, मतलब एक्सरे ही किया जाएगा। ठीक है, जैसे ऑटोमेटिक एयर लैंडिंग जो होता है, उसके लिए जो मशीन बनाया जाता है, वो सिर्फ उसी काम के लिए बनाया जाता है, उस पर आप दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसमें काम नहीं कर सकते। ये जो कंप्यूटर होता है, ये होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो चलिए देखते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर which are used for variety of problems by changing the program or instructions। जो प्रोग्राम होता है और इंस्ट्रक्शंस होता है, उसका चेंज करके अलग अलग प्रोग्राम को, मतलब इंस्टॉल करके, अलग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप अलग अलग काम उसमें कर सकते हैं, वो होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जैसे हो गया स्मॉल डेटाबेस बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, अकाउंटिंग का काम करने के लिए, जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, ये सारा कंप्यूटर जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर दो कंप्यूटर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ए सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक सिंगल और डेडिकेटेड टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस कंप्यूटर का हम लोग यूज करते हैं, वो कंप्यूटर होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जैसे हो गया ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, मल्टीमीडिया कंप्यूटर, उसके बाद एक्सरे मशीन के लिए कंप्यूटर, ये जितना भी कंप्यूटर होता है, ये होता है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, तो दोनों में समझ में आ चुका है आपको दोस्तों। ये हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कर दीजिए लाइक, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो में।